नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल पुलिस इंस्पेक्टर को फोन पर धमकी देने वाले छुटभैया नेता और पूर्व प्रधान लियाकत नियामो की होटल लगी एंडेवर गाड़ी जब्त कर ली गई है। ऑडियो वायरल होने के बाद लियाकत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार पूर्व प्रधान द्वारा तमंचे के बल पर गाड़ी छीनी गई थी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना अध्यक्ष को फोन पर धमकी देने वाले छुटभैया नेता और पूर्व ग्राम प्रधान लियाकत नियामो की होटल लगी एंडेवर गाड़ी जब्त कर ली गई है। ऑडियो वायरल होने के बाद लियाकत को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार पूर्व प्रधान द्वारा तमंचे के बल पर गाड़ी छीनी गई थी। इस गाड़ी पर अवैध होटल लगा है। गाड़ी पर होटल लगाकर नेताजी लोगों पर ड्रोप गाली करते थे। गाड़ी पर भारतीय किसान यूनियन स्वराज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेम प्लेट लगी मिली। बताया गया है कि यह गाड़ी कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक व्यक्ति को नेताजी ने घर पर बुलाकर छीनी थी। इस मामले में चरथावल पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव अमीगढ़ की पुलिया के पास से हिंडन पुलिस चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया ने पुलिस टीम के साथ मिलकर वांछित चल रहे शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर चोर का चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चोरी की घटना में वांछित एक शातिर चोर कहीं जाने की फिराक में अमीगढ़ पुलिया के नजदीक खड़ा हुआ है। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में हिंडन पुलिस चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया ने पुलिस टीम के साथ मिलकर आरोपी को दबोच लिया। पकड़ गई आरोपी ने अपना नाम शौकीन पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला आलमनगर थाना चरथावल देहात बताया। चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ गया आरोपी एक शातिर चोर है जो चोरी के कई मुकदमों में बांछी चल रहा था। पकड़ा गया चोर अपने साथियों के साथ मिलकर जंगलों में किसानों की ट्यूबवेल पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में आर्य समाज के लोगों ने चरथावल अध्यक्ष अर्चित व मंत्री दर्पण आर्य के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे छात्र विशाल जूड की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति व विदेश मंत्रालय को संबोधित ज्ञापन कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी को सौंपते हुए मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल चरथावल कस्बे में आर्य समाज के लोगों ने चरथावल अध्यक्ष अर्चित व मंत्री दर्पण आर्य के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे छात्र विशाल जूड की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति व विदेश मंत्रालय को संबोधित ज्ञापन कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी को सौंपते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी आतंकियों ने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया था, जिसका ऑस्ट्रेलिया में अकेले भारत के विशाल जोड़ ने पुरजोर विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें कारावास दे दिया गया। आर्य समाज ने विशाल जोड़ की रिहाई के लिए राष्ट्रपति व विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में भारतीय किसान यूनियन जिला संयोजक व वरिष्ठ समाजसेवी शाहबाज त्यागी के आवास पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों की कोविड 19 की जांच की तथा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक व वरिष्ठ समाजसेवी शाहबाज त्यागी के आवास पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोविड 19 की जांच की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक शाहबाज त्यागी से ग्रामवासियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक करते हुए 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।